नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी का रूप माना जाता है। यही कारण है कि आंगन में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी पूजा करना सदियों से भारतीय परंपरा रही है। घर में तुलसी लगाने और उसकी पूजा करने के पीछे भी कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। ऋषि मुनियों ने यह अनुभव किया है कि इस पौधे में कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है। साथ ही इसे लगाने से आसपास का माहौल भी साफ सुथरा में स्वास्थ्यवर्धक रहता है। इसीलिए उन्होंने हर घर में कम से कम एक पौधा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तुलसी के स्वास्थ्य प्रदान करने वाले गुणों के कारण इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि इसका पूजन किया जाए। तुलसी सिर्फ बीमारियों पर नहीं बल्कि मनुष्य के आंतरिक भावों पर विचारों पर भी अच्छा प्रभाव डालती है। जो रोज सुबह इसकी पत्तियों का सेवन करता है वो बड़े से बड़े रोगों से दूर रहता है। भारतीय आयुर्वेद के सबसे प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता में कहा गया है कि सुरसा यानी तुलसी इसकी मासी लहर का प्रभाव पसली का दर्द मिटाने वाली है। इससे पित्त की वृद्धि और दूषित वायु खत्म होती है। ये दुर्गंध को भी दूर करती है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण है, तुलसी कड़वे व तीखे स्वाद वाली दिल के लिए लाभकारी, त्वचा रंगों में फायदेमंद, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली और मूत्र से संबंधित बीमारियों को मिटाने वाली है। ये कफ और वात से संबंधित बीमारी को भी ठीक करती है। तुलसी के और भी महत्वपूर्ण गुण हैं, जिसमें अगर आपको बुखार है, जुकाम के कारण आने वाले बुखार में भी तुलसी के पत्तों का रस सेवन करना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। तुलसी के पत्तों को त्वचा पर रगड़ने से त्वचा के संक्रमण में फायदा मिलता है। ज्यादा थकान होने पर तुलसी की पत्तियां और मंजरी का सेवन करें, थकान दूर हो जाए। फ्लू के रोगियों को तुलसी के पत्तों का काढ़ा सेंधा नौ खिलाने पिलाने से काफी फायदा है। अगर आपको दिल की बीमारियां तो यह अमृत के समान है। ये खून में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। अगर आपको पत्ते की बीमारी हो तो कितनी पत्ती होने पर लोगों को तुलसी की पत्तियों को उबाल कर बनाया गया काढ़ा शहद के साथ नियमित 6 माह तक पिलाने पत्ती मूत्र बाहर से बाहर निकल जाए। अगर आपको काली खांसी है, तुलसी के पत्तों और अंडूसा के पत्तों को बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करने से काली या सूखी खांसी दूर होती है। इसके अलावा तुलसी का अदरक कदम बराबर मात्रा में मिलाकर लेने से ये खांसी में बहुत जल्दी आराम होता है। तुलसी के महत्वपूर्ण गुणों पर बना ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी जरूरतमंद तक सही जानकारी पहुँचती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों से हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।